शत्रुघ्न सिन्हा के जिन्ना की तारीफ वाले बयान पर चारों तरफ से घिरी कांग्रेस। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह उड़ीसा की रैली के मंच से बोले, जिसने भारत को तोड़ा कांग्रेस उसकी तारीफ कर रही। अमित शाह ने कहा, सिर्फ पार्टी बदलने से आदमी कैसे बदलता है, जनता ने सब देखा। कांग्रेस से जुड़ने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा भी बदल गए। अमित शाह ने कहा, जब शत्रुघ्न बीजेपी में थे देशभक्ति की बातें करते थे, कांग्रेस में जाते ही गांधी की तरह जिन्ना को भी महान व्यक्ति कहने लगे। कल छिंदवाड़ा की रैली में शत्रुघ्न सिन्हा ने की थी मोहम्मद अली जिन्ना की तारीफ, कहा था आजादी और विकास में जिन्ना का भी योगदान। शत्रुघ्न सिन्हा ने सरदार पटेल, इंदिरा गांधी, राहुल के साथ साथ जिन्ना का भी नाम लिया, सभी का भारत के विकास में योगदान बताया। हालांकि आज विवाद बढ़ने पर शत्रुघ्न ने अपने विवादित बयान पर सफाई भी दी, कहा जुबान फिसल गई थी, गलती से जुन्ना बोलते। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक वो मौलाना आजाद का नाम लेना चाहते थे, लेकिन जिन्ना का जिक्र उन्होंने कर दिया। जिन्ना पर दिए शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर मुख्तार अब्बास नकवी का हमला, कहा कांग्रेस में जाते ही शत्रुघ्न सिन्हा में जिन्ना की आत्मा घुसी। शाहनवाज हुसैन ने कांग्रेस को मोहम्मद जिन्ना की पार्टी बताया। शाहनवाज ने कहा, शत्रुघ्न के शब्दों को कांग्रेस का बयान नहीं, उसके कबूलनामे के तौर पर देखा जाए। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने कहा, जो लोग जिन्ना पर गर्व कर रहे हैं वो इस देश का क्या हल करेंगे। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने शत्रुघ्न सिन्हा के बयान पर कहा, उन्होंने पार्टी के साथ अपनी सोच भी बदली। चिराग पासवान ने कहा, शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी समाजवादी पार्टी में है, साफ है उनके परिवार पर महागठबंधन की मानसिकता हावी है। शत्रुघ्न सिन्हा पर जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, कहा कांग्रेस पार्टी में कई लोग विपक्ष के मददगार मौजूद। झारखंड के पलामू में अमित शाह की रैली, कहा पीएम मोदी ने 20 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली, देश में हर तरफ मोदी मोदी हो रहा है। अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा आतंकी हमलों पर चुप रहती थी कांग्रेस सरकार, कांग्रेस नेता सर्जिकल स्ट्राइक से परेशान हुए। पलामू के बाद ओडिशा के मयूरभंज में अमित शाह की रैली, कांग्रेस और बीजेपी पर निशाना साधा। यूपी में पीएम की एक के बाद एक तीन रैलियां, कन्नौज, हरदोई और सीतापुर की जनसभा, तीनों जगह निशाने पर रही कांग्रेस। यूपी के हरदोई में भी पीएम का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस को एक परिवार के आगे कुछ नहीं दिखता। हरदोई में पीएम मोदी ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती पर भी निशाना साधा, पीएम ने कहा बहन जी आम्बेडकर का अपमान करने वालों के लिए वोट मांग रही। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सेना की मानसिकता देश और सेना विरोधी है। प्रधानमंत्री ने कहा, सैनिकों की शहादत के सबूत मांगने वाले देश सुरक्षित नहीं रख सकते। पीएम ने कहा, आपकी आंखों के सपने ही मुझे दिन रात मेहनत करने के लिए प्रेरित करते हैं, मेरे साथ 130 करोड़ देशवासियों की आशाएं और आकांक्षाएं। कन्नौज से पहले यूपी के में बीजेपी की विजय संकल्प रैली में पीएम मोदी का विरोधियों पर हमला, कहा 2014 का रिकॉर्ड टूटेगा, हम विजय का डंका बजाने आए। पीएम मोदी ने कहा, सिर्फ तीन चरण की वोटिंग देखकर विपक्ष के होश उड़ गए हैं, महामिलावटी कभी मुझे कभी ईवीएम को गाली दे रहे हैं। पीएम ने कहा, विरोधियों ने अपने प्रचार में राम भक्तों को गाली दी, चौकीदार को गाली दी, लेकिन देश की जनता ने सड़कों पर उतरकर विरोधियों को जवाब दे दिया। पीएम ने कहा, आज चुनाव में प्रचार मैं नहीं कर रहा, वो गरीब जनता कर रही है, जिसे मुफ्त गैस कनेक्शन, घर में बिजली, शौचालय और मुफ्त इलाज मिल रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि पूर्व की सरकारों ने शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का अपंग, अपाहिज कहकर अपमान किया, मोदी ने ऐसे लोगों को दिव्यांग कहकर सम्मान किया। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर भी सादा निशाना, कहा हम आलू से सोना बनाने का वादा नहीं कर सकते, हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, उपज का सही दाम दिलाएंगे। पीएम ने दावा किया कि मौजूदा चुनाव में कांग्रेस 50 से भी कम सीट पर सिमट जाएगी। पीएम ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मध्यम वर्ग का जिक्र तक नहीं है। पीएम मोदी ने एसपी पर लगाया जाति के इस्तेमाल का आरोप, कहा इनका सिर्फ एक ही मंत्र है, जात पात जपना, जनता का माल अपना। पीएम मोदी ने मायावती के फर्जी पिछड़ा कहने पर दिया जवाब, कहा जब मेरा देश पिछड़ा है तो अगड़ा क्या होता है, मुझे पूरे देश को अगड़ा बनाना है। 6 मई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, सागर में रैली करेंगे। पीएम मोदी के कन्नौज दौरे पर अखिलेश यादव का निशाना, प्रधानमंत्री को प्रधान बंदी, कहा बीजेपी पर 5 साल में लोकतंत्र के सभी स्तंभों को कमजोर करने का आरोप लगाया। अलगावादी आसिम मलिक के समर्थन में आए कांग्रेस नेता पीसी चाको, कहा बंदूक की नोक पर सरेंडर करवा रही है सरकार। पीसी
जाको ने कहा यासीन की प्रतिक्रिया एक स्वाभिमानी व्यक्ति की तरह है, केंद्र सरकार किसी को डरा नहीं सकती। पीसी चाको ने यासीन मलिक के सरेंडर नहीं करने का समर्थन किया, कहा जब एक आरोपी प्रज्ञा ठाकुर चुनाव लड़ सकती हैं, तो अलगाबाद के नाम पर किसी को सरेंडर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। पीसी चाको ने बयान पर दी सफाई, कहा हम भी यासीन मलिक के विचारों और गतिविधियों का समर्थन नहीं करते, लेकिन उनके साहस की तारीफ की जानी चाहिए। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे थम जाएगा प्रचार का शोर। चौथे चरण में 9 राज्यों की 71 सीटों पर होगी वोटिंग, सोमवार 29 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। अरुणाचल प्रदेश के 18 पोलिंग बूथ पर आज फिर से वोटिंग, 11 अप्रैल को हुए मतदान के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी पाई गई थी। उड़ीसा के मयूरभंज में पुलिसकर्मियों ने मतदान किया, 29 अप्रैल को इलेक्शन ड्यूटी में रहेगी तैनाती। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की अमेठी और रायबरेली में रैली, अमेठी में 2 और रायबरेली में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा की यूपी में 2 रैली और 2 रोड शो, उन्नाव और बाराबंकी में रोड शो, देवा शरीफ फतेहपुर में रैली करेंगे। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का दावा, कहा नोटबंदी को लेकर जनता में अभी भी गुस्सा है, पीएम मोदी पर लगाया जातिवाद फैलाने का आरोप। प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना ने दिया पार्टी उपनेता का पद, कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर शिवसेना में शामिल हुई। गुजरात के सीएम विजय रूपाणी का कांग्रेस पर हमला, कहा मोदी की लोकप्रियता से डरकर प्रियंका को चुनाव लड़ाने से डरी। 2 दिन के दौरे पर जैसलमेर पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह, प्रबुद्ध नागरिकों से मुलाकात की, पूर्व सैनिकों के सम्मेलन को संबोधित किया। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कांग्रेस पर एक बार फिर से ब्लॉक बाण, जेटली ने लिखा 1971 के एजेंडे पर 2019 का चुनाव लड़ना चाहती है कांग्रेस। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे का विपक्ष पर हमला, कहा बड़े बड़े दावे करने वाले विपक्षी पहले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार खोजें, मोदी ने पाकिस्तान में घुसकर मारने की बात बोली नहीं करके दिखाई है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का राहुल गांधी पर बड़ा बयान, कहा राहुल में पीएम बनने की योग्यता नहीं, ममता बनर्जी मायावती और चंद्रबाबू को बताया पीएम पद के लायक। फिर विवादों में भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा, चुनावी सभा में सेना के नाम पर वोट मांगे, कांग्रेस ने चुनाव आयोग से शिकायत की। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का मोदी सरकार पर आरोप, कहा नोटबंदी से बैंक में वापस नहीं आया काला धन, बीजेपी के सहयोगियों और उनके दोस्तों को हुआ फायदा। चिदम्बरम का पीएम मोदी पर आरोप, कहा 2014 के वादे पूरे नहीं हुए, नहीं आज के वादे पूरे होने वाले। चिदम्बरम ने महिलाओं और अल्पसंख्यकों का भी मामला उठाया, कहा देश में दोनों असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। दिल्ली में सेना के 7 पूर्व अफसर बीजेपी में शामिल हुए, निर्मला सीतारमण ने सभी को सदस्यता दिलाई। बीजेपी से बगावत कर सकती हैं विनोद खन्ना की पत्नी, पंजाब के गुरदासपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकती हैं, बीजेपी ने सनी देओल को गुरदासपुर से प्रत्याशी बनाया है। पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह का सनी देओल पर तंज, कहा सनी देओल फिल्मी फौजी और मैं असली, गुरदासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ को बताया जीत का दावेदार। अजमेर में सनी देओल ने किया रोड शो, बीजेपी उम्मीदवार के लिए किया प्रचार, सनी को देखने पहुंची भीड़। राजस्थान के पाली में हेमा मालिनी का रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी पीपी चौधरी के समर्थन में वोट मांगे। रामपुर से गठबंधन के प्रत्याशी आजम खान पर एक और एफआईआर, बिना अनुमति चुनावी सभा करने का आरोप। हिमाचल प्रदेश के ऊना में मतदाता जागरूकता अभियान में हजारों स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया, करीब 5,000 बच्चों ने भारत का विशाल नक्शा बनाया। मध्य प्रदेश के दमोह में गांव वालों ने नेताओं के आने पर लगाई रोक, 3 दिन से कर रहे हैं प्रदर्शन, पानी नहीं तो वोट नहीं। कांग्रेस के बागी विधायक अल्पेश ठाकुर ने इस्तीफे से इंकार किया, राधनपुर से हैं विधायक, कहा परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहे कांग्रेस। बलिया से मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी मेजर उपाध्याय ने पर्चा भरा, करकरे के खिलाफ जहर उगला, कहा स्वतंत्रता सेनानी सिर्फ शहीद। यूपी में चुनाव प्रचार के दौरान छत्तीसगढ़ के मंत्री रविन्द्र चौबे की बिगड़ी तबीयत, लखनऊ के अस्पताल में इलाज जारी, एयर एम्बुलेंस से मुंबई अगली शिफ्ट करने की तैयारी। लोकसभा चुनाव के बीचों बीच बढ़ी मायावती की मुश्किल, यूपी के चीनी मिल घोटाले की सीबीआई ने जांच शुरू की। साल 2011-12 में मायावती के यूपी सीएम रहते हुए चीनी मिलों की बिक्री से नुकसान हुआ था, सरकारी खजाने को करीब 1,179 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। चीनी मिल घोटाले को लेकर सीबीआई ने एक एफआईआर दर्ज करने के बाद 6 प्रारंभिक जांच शुरू की, योगी आदित्यनाथ सरकार ने 12 अप्रैल को सीबीआई जांच की सिफारिश की। आरजेडी नेता तेजस्वी का सरकार पर आरोप, का हमारे परिवार और मायावती को डराने के लिए छापे मरवाए जा रहे हैं, बीजेपी को सता रहा है हार का डर।
यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के नतीजे घोषित, 10वीं में 80 और 12वीं में 70% बच्चे पास हुए। कानपुर के गौतम रघुवंशी और बागपत की तनु तोमर बने 10वीं और 12वीं के टॉपर, 58 लाख छात्रों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कराया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी बोर्ड में कामयाब हुई।